सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। जय हिंद। और प्यारे बच्चों, आज का सुविचार है, आज जो आप कर रहे हैं वही आपके भविष्य का निर्माण करेगा। दैट मीन्स अगर आप कुछ अच्छा करेंगे तो आपको आपका भविष्य ऐसे ही उज्जवल बनता चला जाएगा, और यदि आप कुछ अच्छा नहीं करेंगे तो आपका जो भविष्य है वो उज्जवल कैसे होगा? क्योंकि हमें कोई भी किसी भी काम में सफलता के लिए मेहनत करनी ही होती है। इसलिए कहा गया है कि अगर आप आज ही मेहनत करोगे तो उसका फल आपको ज़रूर आने वाले कल में मिलेगा। सो आज जो आप कर रहे हैं वही आपके भविष्य का निर्माण करेगा। बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। वेलकम इन योर हिंदी क्लास। बच्चों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि लास्ट क्लास में हमने अपना बुक वर्क कंप्लीट था, पार्ट 7 हमारे चाचा जी का। आज हम इसी पार्ट का कॉपी वर्क स्टार्ट करेंगे। ओके, सो यू ऑल टेक आउट योर हिंदी नोटबुक विथ पेंसिल एंड इरेजर। ओके बच्चों, सो नाउ टुडे वी विल स्टार्ट द कॉपी वर्क। बच्चों, इस पार्ट में, पार्ट 7 हमारे चाचा, इस पार्ट में हमने सबसे पहले क्या किया था? हमने सबसे पहले अपने बुक की रीडिंग कंप्लीट की थी 2 डेज। उसके बाद हमने उसका कॉपी वर्क बुक वर्क किया था। बुक वर्क करने के बाद आज हम उसका कॉपी वर्क स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, सो यू ऑल टेक आउट योर हिंदी नोटबुक विद पेंसिल एंड इरेजर। ओके, फर्स्टली यू ऑल राइट डाउन द डेट। सो स्टूडेंट्स, व्हाट इज द डेट टुडे? टुडे इज 13 अगस्त 2021। और दिन क्या है बच्चों? आज शुक्रवार। और ये जो हम आपको करा रहे हैं ये है आपका कक्षा कार्य। ओके, नाउ राइट डाउन द पाठ संख्या। पाठ 7 हमारे चाचा। ओके, सो सबसे पहले हम क्या बनाते हैं? किसी भी पार्ट को स्टार्ट करने से पहले हम हमेशा उसकी विषय सूची बनाते हैं। ओके, सो यू ऑल राइट डाउन विषय सूची। विषय सूची मीन्स होता है बच्चों कि हम इस पार्ट में क्या क्या कार्य करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम चित्र या तो पेस्ट करेंगे या तो फिर बनाएंगे। ओके, नेक्स्ट हम करेंगे कठिन शब्द। एंड थर्ड में हम करेंगे शब्द अर्थ। ओके, और बच्चों इस पार्ट में हम प्रश्न उत्तर नहीं करेंगे, सिर्फ हमें ये 3 वर्क ही करने हैं। ओके, नाउ यू ऑल टेक आउट अ न्यू पेज एंड राइट डाउन अगेन डेट एंड डे। व्हाट इज द डेट टुडे? 13। एंड व्हाट इज द डे? शुक्रवार। ठीक है, नाउ दिस इज ऑल्सो, ये है आपका गृह कार्य, ये मैं आपको घर से करने के लिए दूंगी। ठीक है, ये आपको घर से करना है। ओके, तो यहां अब हम लिखेंगे पाठ संख्या 7 हमारे चाचा। और इसमें हम क्या करेंगे बच्चों? इसमें हम चिपकाएंगे चाचा नेहरू जी का चित्र। चाचा नेहरू जी का चित्र चिपकाकर उनके बारे में दो वाक्य
लिखिए। ठीक है बच्चों, क्या करना है आपको, आपको यहाँ चाचा नेहरू का चित्र चिपकाना है और उस पर आपको क्या लिखना है, दो वाक्य लिखने हैं। जैसे आप ये लिख सकते हैं कि चाचा नेहरू को बच्चों से बहुत प्यार था, या चाचा नेहरू को गुलाब बहुत पसंद थे, है ना। इस तरीके से आप कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी उनके बारे में आपको दो अच्छी बातें पता है आप वो यहाँ लिखेंगे चित्र चिपका के उसके नीचे। ओके, नाउ टेक आउट नेक्स्ट पेज। दूसरे पेज पे हम दोबारा से डेट डालेंगे एंड डे डालेंगे शुक्रवार, और ये है आपका कक्षा कार्य, पाठ की संख्या लिखेंगे और पाठ का नाम भी लिखेंगे। पाठ का नाम है हमारा हमारे चाचा, और अगला टॉपिक है हमारा कठिन शब्द। ओके, तो हमारा पहला कठिन शब्द क्या है बच्चों, भविष्य। बच्चों पहला है हमारा भविष्य, सेकंड है हमारा उल्लास, थर्ड इज शरारत, फोर्थ इज बाल दिवस, फिफ्थ इज जन्मदिन, सिक्स इज ठेकेदार, सेवेंथ इज दृश्य एंड एट इज मौसम। ठीक है बच्चों, तो हमने कौन कौन से कठिन शब्द लिखे हैं, भविष्य, उल्लास, शरारत, बाल दिवस, जन्मदिन, ठेकेदार, दृश्य एंड मौसम। नाउ टेक आउट नेक्स्ट पेज। नाउ नेक्स्ट पेज वर्क, राइट डाउन अगेन डेट, डे शुक्रवार, कक्षा कार्य, पाठ संख्या 7, पाठ का नाम हमारे चाचा। ठीक है बच्चों, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज शब्द अर्थ। ठीक है बच्चों, तो ये पहले मैं कुछ शब्द लिख रही हूँ, फिर मैं उनके अर्थ लिखूंगी। पहला शब्द है भविष्य, सेकंड इज शरारत, थर्ड इज उल्लास एंड फोर्थ इज दृश्य। अब हमें इनके क्या लिखने हैं, इनके मीनिंग लिखने हैं। ओके, तो इनके मीनिंग क्या है, भविष्य मीन्स होने होता है आने वाला समय। ओके, शरारत मीन्स होता है नटखटपन। खुशी, उल्लास मीन्स होता है खुशी। एंड दृश्य मीन्स होता है नजारा, जाके नीचे बिंदी यानी कि ज, नजारा। ओके बच्चों, तो अब हम एक बार शुरू से देख लेते हैं कि हमने क्या क्या काम किया है। बच्चों सबसे पहले हमने विषय सूची बनाई है, विषय सूची में हमने डेट डाली, डे कक्षा कार्य, पाठ 7 हमारे चाचा, और फिर हमने विषय सूची में जो जो हमें कार्य करना है इस पाठ में हमने वो लिखा है, चित्र बनाने के लिए लिखा है, कठिन शब्द और शब्द अर्थ। उसके बाद बच्चों हमने जो है गृह कार्य मैंने आपको दिया है, इसमें आपको पाठ 7 हमारे चाचा, और आपको क्या करना है गृह कार्य में, चाचा नेहरू जी का चित्र चिपकाकर उनके बारे में दो वाक्य लिखिए। इसमें आपको दो वाक्य लिखने हैं चाचा नेहरू के बारे।
नेक्स्ट वर्क में आपको क्या करना है, नेक्स्ट वर्क में आपको डे डेट और कक्षा कार्य डालकर कुछ शब्द लिखने हैं जो कठिन शब्द हैं। कौन कौन से हैं उसमें, भविष्य, उल्लास, शरारत, बाल दिवस, जन्मदिन, ठेकेदार, दृश्य और मौसम। ओके, उसके बाद नेक्स्ट वर्क है हमारे पास शब्द अर्थ। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है बच्चों, शब्द अर्थ। इसमें भी हमने डेट डे डाल दिया है, पाठ संख्या, पाठ का नाम और उसके बाद मैंने कुछ शब्द हैं लिखे हैं, उनके अर्थ लिखे हैं। भविष्य, भविष्य मीन्स होता है आने वाला समय। शरारत, शरारत मीन्स होता है बच्चों नटखटपन। उल्लास मीन्स होता है खुशी और दृश्य मीन्स होता है नज़ारा। तो बच्चों इस पार्ट का ये जो कॉपी वर्क है ये कंप्लीट हो गया है। ठीक है बच्चों, नाउ नेक्स्ट क्लास, इन नेक्स्ट क्लास वी विल डू व्याकरण वर्क। ओके, हम अपनी नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे अपना व्याकरण का वर्क। ओके बच्चों, नाउ वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास। बाय बाय ऑल, लव यू ऑल।